क्या 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 है उसका नाम? हम तो औरंगाबाद में पैदा हुए हैं और हम इंशाल्लाह औरंगाबाद में ही मरेंगे। अब ये है कि जिनके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं रहता है, अब ये शिवसेना भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 सालों से औरंगाबाद महानगर पालिका में इनकी सत्ता है। इलेक्शन जब भी आया, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन आए, चाहे वो विधानसभा का आए या महानगर पालिका का इलेक्शन आए, इलेक्शन आया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, संभाजी महाराज के नाम के ऊपर शहर का नाम रख दो, वहां के लोग बोल रहे हैं साहब पानी का क्या होगा, पानी 8-8 दिन क्यों आ रहा है, 30 साल से आप सत्ता में बैठे हुए हैं, साहब मेरे घर की सड़क क्यों नहीं बनाई गई है, तो बोले नहीं सड़क पानी ये वो सब आप बात मत करो, हम है तो शहर का नाम बदलने वाले है। वो सिर्फ मन भटकाने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा जाता है कि मन भटका दो लोगों को है तो बहकावे में लेके आ जाओ, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो बड़े भावनिक होते हैं, अरे संभाजी महाराज के नाम का विरोध हो रहा है। नहीं, हम साफ तरीके से बताना चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जितने भी बड़े बड़े नेशनल हीरोज हैं, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, हम इनका पूरा आदर करते हैं, गर्व है हमें इन लोगों के ऊपर, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां जो इतने बड़े बड़े नेशनल हीरोज को सड़कों का नाम दे दो, शहर का नाम दे दो, बहुत छोटा कर दे रहे हैं। अब इसलिए कर रहे हैं कि इनको दिखाने के लिए इलेक्शन में कुछ नहीं है कि जब लोग जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि साहब मेरे पास सड़क क्यों नहीं बन रही है, मेरे पास गंदगी क्यों पड़ी रहती है, मेरे पास कचरे का ढिगार क्यों पड़ा रहता है, तो बोलेंगे कि नहीं अब ये मुद्दा नहीं, अब मुद्दा जो है वो आप 30 साल से है ना, आप 30 साल से अगर महानगर पालिका के अंदर रहने के बाद भी अगर ये सब सुविधाएं नहीं दिए और फिर जब इलेक्शन आया, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा पत्रकारों को, इससे 5 साल पहले का मुद्दा संभाजीनगर, असेंबली का इलेक्शन आया संभाजीनगर, लोकसभा का, तो ये सिर्फ भटकाने के लिए। लेकिन अब लोग बहुत होशियार, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में हम सब रह रहे थे, अब यंगस्टर बहुत होशियार हो गया है, वो इन बातों के अंदर